नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर आशु टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके पास बैज नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास इस टाइम शेयर चैट पर बैज नहीं है, जो नए यूजर हैं, जो पुराने यूजर हैं उनके पास भी काफी टाइम से बैज नहीं है और वो मेहनत शेयर चैट पर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जब आई है, जब शेयर चैट पर सारे फॉर्म बंद हो चुके हैं और आपको बैज मिलना बंद हो चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने शेयर चैट पर बैज लेने के लिए किस तरीके से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। फॉर्म से रिक्वेस्ट आपको फोन से ही देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको इलिजिबल होना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जब से शेयर चैट में ही ये एक फीचर आया है कि आपका फॉर्म आपकी प्रोफाइल में ही मिलेगा, उसके लिए आपको इलिजिबल होना पड़ेगा। वहां से ही आप इलिजिबल होकर अपनी बैज के लिए आवेदन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ डिमांड पूरी करनी होती है, कुछ रूल्स पूरे करने होते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही हार्ड है। उसमें से 100% में से 10% लोग ही उसको पूरा कर पा रहे हैं, और जो इसने पूरा कर लिया वो समझो उसको बैज मिल गया है। और दोस्तों वो मैं रूल आपको बताऊंगा, और आप इधर साइड में हैंड टू हैंड देखते भी रहेंगे, जो मैं इधर बोलता रहूंगा वो इधर आप देखते रहेंगे। इंग्लिश में इधर लिखा हुआ आता है, लेकिन मैं आपको वो हिंदी में बोल के समझाऊंगा, पूरे तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आप उस रूल्स को पूरा कर सकते हैं, जो नया अपडेट है जिसमें आपको 5 रूल दिए होते हैं, उस पर गलत के निशान लगे होते हैं, गलत टिक राइट में, आपको उसमें ग्रीन कलर का राइट टिक देना है, राइट टिक। जब तक आपके उसके सारे 5 के 5 रूल राइट टिक नहीं हो जाएंगे, आप बैज के लिए इलिजिबल नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा, एक भी कुछ ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो कि आपकी समझ में नहीं आएगी, हर एक चीज बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट देता हूँ और शेयर चैट के बारे में ही आपको सिखाता हूँ, इसके अलग कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता है उनको पता चले और उनको भी बैज मिल सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप बैज के लिए रिक्वेस्ट कैसे दे सकते हैं, बैज आप कैसे ले सकते हैं, आपको बैज कैसे मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में जाने के बाद आप जब 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, वहां पर आपको एक ऑप्शन ऊपर मिलता है, अप्लाई फॉर ए बैज वेरिफिकेशन, ठीक है, अगर हिंदी में होगा तो अब बैज के लिए आवेदन दें, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो आप इधर देख भी सकते हैं। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही पेज पर आपको आपके गाइडलाइन मिल जाएंगी जो कि आपको पूरा करनी है। वो क्या गाइडलाइन है, वो क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा टोटली, और आपके पास हिंदी में है और समझ में नहीं आ रहा है और पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं आपको यहाँ पर इसमें बताऊंगा। और जब आप उसको पूरा कर लेंगे, इनेबल हो जाएंगे उसके, तो आप सबसे ऊपर में एक फॉर्म के लिए एक लाइन लिखी होती है कि फिल ए फॉर्म, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब तक आप इलिजिबल नहीं होंगे वो फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जो रूल्स हैं, रूल्स को मैं यहाँ पर नोट कर लिया हूँ और अभी मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों रूल अपना इसके 5 रूल हैं और 5 रूल को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपने पड़ाव पार कर लिया तो समझो आपको बैज मिल गया, और ये इतना हलवा जैसे नहीं है कि आपने बोला और मिल गया बस, क्योंकि बैज से फॉर्म से आपको बैज नहीं मिलेगा। फॉर्म लेना आप कहीं भी जाएंगे, फॉर्म बंद हो चुके हैं, आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, बैज ऑटोमेटिकली मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला रूल इन्होंने क्या बताया है मैं बताता हूँ। नंबर 1, हर हफ्ते में 40 पोस्ट किया होना चाहिए, मतलब आप हर हफ्ते में कम से कम 40 पोस्ट करें। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर आप एक दिन में 10 पोस्ट भी करते हैं तो 70 पोस्ट हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो यहाँ पर मांग है वो आपकी हर हफ्ते 40 पोस्ट होनी चाहिए। जी हाँ, 40 पोस्ट होनी चाहिए आपकी हर हफ्ते। जब तक आप हर हफ्ते 40 पोस्ट नहीं देंगे, आपने काम कर दी है, तो समझो आपका यहाँ पर ये टिक गलत का निशान लग जाएगा, आपको बैज नहीं मिलेगा, ठीक है, गलत का निशान ही रहेगा, ये राइट नहीं होएगा। दूसरा, आप आगे तरफ बढ़ते हैं, 30 दिनों से लगातार पोस्ट बना रहे होने चाहिए शेयर चैट पर, मतलब शेयर चैट पर 30 दिनों से कंटिन्यू पोस्ट बना रहे होने चाहिए आप। ऐसा नहीं है कि आपने शेयर चैट आज ओपन किया है या फिर आपने आज से पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और 15 दिन तक पोस्ट की और उसके बाद आपने पोस्ट करना बंद कर दिया, 20 दिनों तक पोस्ट की और उसके बाद पोस्ट करना बंद कर दिया, 10 दिनों तक पोस्ट की और पोस्ट करना बंद कर दिया,
ये वाला ऑप्शन आपको तभी राइट के निशान में चेंज होएगा जब आप 30 दिनों तक लगातार पोस्ट बनाएंगे शेयर चैट पर। 30 दिनों तक आपको कंटिन्यू पोस्ट बनाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, तो आपका यहां पर ये राइट का निशान लग जाएगा। इतना समझ में आ गया, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल इनका क्या है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटर कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों मैं बताता हूं, तीसरा रूल आप अपने 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 प्रोफाइल में भी देख लेना और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। 50% पोस्ट आपके एप्लीकेशन जोनर में होनी चाहिए, आपने ये चीज देखा होगा। यहां पर इसका मतलब है 50% पोस्ट शेयर चैट ऐप के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, शेयर चैट के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए 50% पोस्ट। मतलब मान लीजिए आप 100% पोस्ट करते हैं, वो आप कहीं से पहले तो आप थोड़ा सा मटेरियल डाउनलोड करते हैं, उसको डाउनलोड करके आप उसकी एडिटिंग करते हैं किसी दूसरे ऐप में, ठीक है, किसी दूसरे ऐप में आप उसकी एडिटिंग करते हैं और कंप्लीट करने के बाद आप शेयर चैट पे अपलोड करते हैं, तो उसमें शेयर चैट का आपने 1% नहीं दिया है पोस्ट को। तो यहां पर इनका कहना है कि आप जब भी पोस्ट बनाओ बैच वेरिफिकेशन के लिए, 50% पोस्ट आपकी हमारी हमारे एप्लीकेशन से बनी हुई होनी चाहिए। अब ये आप पोस्ट कैसे बनाएंगे, आप जब पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर एक मोशन वीडियो का ऑप्शन मिलता है और एक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। तो उन दोनों को आप जब यूज करेंगे, आप स्टेटस भी यूज कर सकते हैं, मोशन वीडियो भी यूज कर सकते हैं। मोशन वीडियो में आप वीडियो बना सकते हैं और स्टेटस में आप शायरी वगैरह को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों का आप यूज करेंगे 30 दिनों तक, तो दोस्तों उसमें आपका 50% ये यूज हो जाएगा, 50% शेयर चैट का यूज हो जाएगा और 50% आपका कहीं दूसरी तरफ से यूज हो जाएगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 50% पोस्ट ऐप के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, ठीक है, शेयर चैट ऐप के द्वारा 50% आपकी पोस्ट बनाई गई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं, अगली तरफ जो इनका है, हर हफ्ते में 10 पोस्ट किया जाना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उन्होंने हर हफ्ते में 40 पोस्ट मांगा है और यहां पर इन्होंने हर हफ्ते में 10 पोस्ट मांगा है। हर हफ्ते में उन्होंने 40 मांगा है, वो एक अलग रूल है, लेकिन ये इन्होंने हर एक हफ्ते में 10 पोस्ट मांगी है आपसे। आपको एक हफ्ते में 10 पोस्ट भी देनी है, वो आपकी एक्टिविटी के लिए है, आपकी आपकी रेगुलरिटी के लिए है, ठीक है। तो आपको हर हफ्ते में 10 पोस्ट कम से कम देनी ही देनी है, ठीक है, और वहां पर जो आपका वो टोटल है उसको भी पूरा करके चलना है और हर हफ्ते आपको 10 पोस्ट भी देकर चलनी है, ठीक है। तो हर हफ्ते आपको 10 पोस्ट देनी है बिल्कुल, कोई भी इसमें आपको एक भी कम नहीं करना है, कम से कम 10 पोस्ट है, 10 तो आप कर ही सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पांचवा जो कि सबसे लास्ट है वो मैं आपको बताता हूं, 3 ओरिजिनल पोस्ट हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और 2 हफ्ते में उसमें 500 लाइक, 500 शेयर, 500 सेव होने चाहिए। मतलब आपने कोई 3 पोस्ट किए हैं बहुत ही हाई क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की 3 पोस्ट किए होनी चाहिए और उन पे 2 हफ्तों के अंदर 500 लाइक आने चाहिए, 500 शेयर आने चाहिए और 500 सेव किए। मतलब 500 किसी ने डाउनलोड कर लिए हैं और 500 किसी ने लाइक कर दिया है और 500 किसी ने सेव कर लिया। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आपकी तीन पोस्ट ऐसी बनाओ, मतलब 3 पोस्ट ऐसी बनाओ जो कि वायरल जाए। मतलब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक पे पोस्ट बना सकते हैं इस वाले टास्क को पूरा करने के लिए। इस टास्क को पूरा कर लेंगे आप, ट्रेंडिंग पोस्ट पे पोस्ट बनाएंगे, 2-3 पोस्ट आपकी वायरल हो जाएगी, तो वो आपका एक ही दिन में काम हो जाएगा। 500 लाइक, 500 सेव और 500 शेयर आराम से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके 5 जो मैंने बता दिए हैं। आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे ये पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक एक करके मैंने आपको समझा दिया है, और समझ में नहीं आया है तो वीडियो को जाकर पीछे देख लीजिए। तो दोस्तों आपको बैज मिल जाएगा जब आप यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेंगे, आपका प्रोफाइल में एक नीले कलर में व्हाइट कलर से लिखा हुआ आ जाएगा बैज इनिजिबल, ठीक है। तो आप उसको इनिजिबल हो जाएंगे, आप सबसे ऊपर में आपको जब ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप उसमें अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप उसमें अपना यूजर नेम भर सकते हैं, आपकी कैटेगरी भर सकते हैं, ठीक है, ये सारा आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो उसको आवेदन दे देंगे तो आवेदन देने के बाद आपका 7 दिनों के अंदर बैच वेरिफिकेशन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐप अपडेट आने पर ऐप आपको मिलता है कि आपको बैच तो मिल जाता है लेकिन प्रोफाइल में शो नहीं होता है, तो जब कभी शेयर चैट का ऐप अपडेट आता है तो उसमें आपका बैच शो हो जाता है आपकी प्रोफाइल में।
तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का सवाल आपके मन में हो, इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो कि आप बैच के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर्म से, तो आप उससे पूछ सकते हैं। शेयर या आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको मुझे पर्सनल कुछ बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई वहां पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।